السلام عليكم. कल रात को मैं फेसबुक पे लाइव आया था, लेकिन ज्यादा टाइम निकाल नहीं पाया। आज सुबह से काफी सारे कॉल्स में मशगूल हो गया, उसकी वजह से भी ये फेसबुक के ऊपर काफी हैकिंग अटैक हो रहे हैं मेरा अकाउंट हैक करने के लिए, तो उसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत परेशानी आ रही है। खैर एनीवेज, बैक टू द क्वेश्चन। दो चार लोग मुझसे पूछने लगे थे कि भाई बीजेपी कहीं हुकूमत तो नहीं बना लेगी, तो काफी लोग शिद्दत से सोच भी रहे हैं इसके बारे में, काफी लोग शिद्दत से परेशान भी हो रहे हैं। तो भाई अल्लाह की ज़ात पे यकीन रखें, भगवान में भी आप यकीन करते हो उसकी ज़ात पे यकीन रखें, इस बार ये बीजेपी आरएसएस सरकार नहीं बना पाएंगे। इस बार ये ना सरकार बना पाएंगे, ना इनके पास इतनी हैसियत होगी कि ये सरकार बनाने का दावा तो बहुत दूर की बात है, ये पेश भी नहीं कर पाएंगे। तो यकीन रखें ये सरकार नहीं बना पाएंगे। द करंट सिचुएशन ऐसी है कि हर बीजेपी का लीडर जो अपनी अपनी करोड़ों की संपत्ति लगा के इलेक्शन लड़ रहा है, वो कहीं ना कहीं से ये कोशिश कर रहा है कि किस भी हाल उसकी सीट बच जाए, क्योंकि बीजेपी में या कांग्रेस में लोग टिकट पैसा देके खरीदते हैं, 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़ तक भी जाता है कुछ कुछ, तो लोग टिकट पैसा देके खरीदते हैं, और पैसा देके खरीदे हुए लोगों के पास हारने के बाद में पे बैक करने का कोई मौका नहीं मिलता। तो सारे जो पैसा दे के खरीदे हैं, सारे जो प्रचार में करोड़ों लगा रहे हैं, वो तकरीबन लोग परेशान हैं ये वजह से कि हारने के बाद में वो अपनी इज्जत बचाने के लिए कहाँ भागेंगे। जो पिछले इलेक्शन में जीत के आए थे तकरीबन ऐसे थे जो कुछ भी नहीं था, जिनके पास उतना ज्यादा पैसा नहीं था, फिर भी 5-6 करोड़, 7 करोड़, 8 करोड़ दे के सीट खरीद लिए थे। जीतने के बाद में तो बहुत सारा पैसा ठोका है, जैसे स्मृति ईरानी जी, सुनने में तो ये आया है कि जब वो HRD मिनिस्टर थे तो 2 करोड़ रिकग्निशन के लिए स्कूलों को, कॉलेजों को, डीम यूनिवर्सिटीज के लिए 5 करोड़, ऐसे करके 250 करोड़ बनाए हैं करके ऐसे सुनने में आया। मैं कंफर्म तो नहीं कर सकता, लेकिन सुनने में आया कुछ लोगों से जो इनके शिकार हुए। तो ये काफी सारे पैसे इकट्ठा करके बैठे हुए हैं, लेकिन जितने भी पैसे इकट्ठा कर लें, ये इकट्ठा करते हैं सिर्फ और सिर्फ अगले चुनाव में खर्च करने के लिए। तो ये लोग बौखलाहट में हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि जीतें, तो कैसे जीतें। आजकल बयान सुनने में आ रहे हैं, जो नेताओं के बयान हैं, वो डरा धमका के तुम वोट हमें दो न दो हम जीत रहे हैं, तुम दो न दो हम जीत रहे हैं। तो ये इनकी बौखलाहट नजर आ रही है, ये इनकी बौखलाहट नजर आ रही है। और ये ऑल्सो कंफर्म करता है इस चीज को कि जिस तरह से ये प्रोपोगंडा करते हैं, जिस तरह से ये डराने का, धमकाने का, या फिर लोगों को खतरे में डाल के बात करने का, ये जो प्रोपोगंडा है इनका, तो ये समझ में भी आता है एक हद तक। तो यकीन रखें, इस बात पे यकीन रखें कि इनको जीतने नहीं देंगे, इंशाल्लाह इनको जीतने नहीं देंगे, और जहां तक हो सके इनको समेटने की कोशिश करूंगा। फिलहाल इनका नंबर 44 के करीब है NDA का पूरा मिलकर, तो इंशाल्लाह अगले चरण में 112-115 सीटों पे चुनाव है, तो इनको ज्यादा नंबर लेने नहीं देंगे इंशाल्लाह। स्पेशली वो स्टेट्स जो पिछली बार क्लीन वाइप आउट किया था, वहां पे तो बहुत ज्यादा मेहनत करते बैठा हूँ, तो वहां पे उनको बहुत अच्छे से पछाड़ने की तैयारी करके बैठा हूँ, तो
हमारे यहाँ कहा जाता है दुश्मन को कम नहीं भांपना चाहिए, तो पिछले दोस में दो चरण में इनको भांपा है अच्छे से, इनकी क्या तैयारी है, इनकी कैसी है तैयारियां, ये देख के बड़ा बड़ा तसल्ली हुई कि ये लोग बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट में जी रहे हैं। मैं लोगों से फिर अपील करता हूँ, देखिए अगर आपके क्षेत्र में चुनाव है तो प्लीज इस चीज के ऊपर तवज्जो दें कि अगर कोई भी गाड़ी गाड़ी वैन हो, एसयूवी हो, या फिर कोई बड़ी गाड़ी हो या स्कूल वैन हो, ये अगर कुछ ज्यादा मंडला रही है आपके एरिया में तो इसके ऊपर थोड़ा सा तवज्जो दें। इनके अंदर बहुत सारी चीजें लगी रहती है, तो इस पे थोड़ा सा तवज्जो दे दें, ताकि अगर अगर आपके आपके अतराफ में ऐसी कोई गाड़ी नजर आ जाए तो आप इसको पकड़ के इसका कम से कम एक फुटेज बना के यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर पे लगा दें, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जो लोग भी परेशान हो रहे हैं, अल्लाह की जात पे यकीन रखिए, अपने रब की जात पे यकीन रखिए, आप जिस भगवान को मानते हैं और उसकी उसकी जात में यकीन रखें, रब तो एक ही है, आप अलग अलग नामों से जानते हैं, हम तो हमारे रब को अच्छे से जानते हैं कि वो है जो सब चीज का करने वाला है, रब वो है जो सब चीज का करने वाला है। कुन फयकुन, सुभान अल्लाह अहसन अल खालिकीन, हो जा हो गई, बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत सबसे बेहतरीन पैदा करने वाला है, अहसन पैदा करने वाला है, अहसन खालिक है, तो उसके इरादा करने से ही हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि इतने हजारों करोड़ों लोगों की दुआएं कि इनसे निजात के लिए ये बहुत ज्यादा कारगर होंगे। तो इंशाल्लाह आप फिक्र ना करें, आप अपना काम करें, और जितना हो सके ये लोगों को, ये भ्रष्ट नेताओं को वोट देने से पहले अपने नजदीक सोच ले कि आप किसको वोट दे रहे हैं। ठीक है, तो बस यही कुछ लोगों का बहुत ज्यादा सवाल और फिक्र हो रही थी कि क्या ये फिर से दोबारा सरकार तो नहीं बना लेंगे, तो यकीन जाने ये लोग सरकार नहीं बनाएंगे इंशाल्लाह। चले भाई, इजाजत चाहता हूँ, काफी टाइम नहीं लूंगा, इंशाल्लाह 23 की तैयारी चल रही है, और अल्लाह करीम है कि जैसे ये खत्म हो जाए तो इंशाल्लाह फिर 20 तारीख की भी तैयारी करनी है मे की, तो आप लोग इत्मीनान रखें, परेशान मत हो, इंशाल्लाह दूसरी कॉल्स बज रही है पीछे, तो माजरा चाहूँ, इंशाल्लाह फिर बात करते हैं, जजाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।